पता है मुझे क्या लगता है, ये जो विराट, नवीन और गंभीर के बीच लड़ाई है, इससे अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो नवीन को। लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि अगर कार्टून ही बनाना था तो 600 करोड़ क्यों बर्बाद कर दिए। जब से इलोन मस्क भैया ने ट्विटर को खरीदा है तब से रोज वहाँ कुछ न कुछ नया हो रहा है। तो जो लोग अब दिल्ली मेट्रो को बदनाम करने की कोशिश करेंगे उनको बैट का ग्रिप निकाल के सीधा चलिए शुरू करते हैं। बचपन में हमारे मास्टर जी कहा करते थे कि स्कूल की बात स्कूल में और घर की बात घर पे, जो बात जहाँ पे हो वहीं पे खत्म कर लिया करो, नहीं तो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। अच्छा, हमारे क्रिकेटर्स के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आरसीबी और एलएससी के बीच जो मैच था उसमें विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक के बीच जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा। इनके बीच जो गर्मा गर्मी हुई उससे फायदा ये हुआ कि मीडिया को मसाला मिल गया और हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा सा टॉपिक। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो ग्राउंड पे हुआ और ग्राउंड पे ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब ये लड़ाई पहुंच चुकी है सोशल मीडिया पर। गुजरात और एलएससी के बीच जो मैच था उसमें गुजरात ने एलएससी की बहुत अच्छी तरह से पिटाई की, तो विराट भैया ने गुजरात के प्लेयर्स की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरीज पोस्ट की। तो फिर क्या, उसके बाद आरसीबी और मुंबई के बीच मैच हुआ जिसमें विराट कोहली 1 रन पर आउट हो गए और आरसीबी भी हार गई। तो नवीन उल हक ने ये स्टोरी पोस्ट की, स्वीट मैंगोज। मरना तेरे को डर नहीं लगता, ये नाम लगा के घूम रहे है तू। मतलब एलएसजी की पिटाई देखकर विराट भैया खुश थे तो अब आरसीबी की पिटाई देखकर नवीन खुश हो रहे हैं। जिसके बाद विराट कोहली ने फिर इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेशनल स्टोरी पोस्ट की जिसमें वो इनडायरेक्टली कहना चाहते थे कि इन सब कामों के लिए उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। पता है मुझे क्या लगता है, ये जो विराट, नवीन और गंभीर के बीच लड़ाई है इससे अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो नवीन को। भाई इससे पहले उसे कौन जानता था, अब ये बंदा जिस इंसान से पंगे ले रहा है उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उससे पंगा लेकर ये खुद फेमस हो गया। दादा why? Why, दादा why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. Shut up. दूसरी जो बड़ी न्यूज है वो है आदि पुरुष मूवी को लेकर। तो आदि पुरुष मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और आप सबने देखा भी होगा। जब आदि पुरुष का टीजर लॉन्च किया गया था तो इसका VFX, इसका CGI और कुछ कैरेक्टर्स के लुक को लेकर इसको काफी ट्रोल किया जा रहा था। लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि अगर कार्टून ही बनाना था तो 600 करोड़ क्यों बर्बाद कर दिए, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि अब शायद इनके 600 करोड़ बच जाए। भाई इन्होंने जो टीजर की ट्रोलिंग हुई थी उसको सीरियसली ले लिया था और इसमें काफी चेंजेस किए हैं। रावण का लुक भी चेंज हो गया और ट्रेलर में जो डायलॉग्स है उससे आपको रामायण वाली वाइब मिलेगी। पर्सनली मुझे जो इस मूवी में एक चीज अच्छी नहीं लगी वो है हनुमान जी का लुक। भाई कहां से इंस्पायर होके इन्हें हनुमान जी का ऐसा लुक मिला पता नहीं। वैसे आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में बताना। अगली अपडेट है ट्विटर और व्हाट्सएप को लेकर। तो जब से इलोन मस्क भैया ने ट्विटर को खरीदा है तब से रोज वहां कुछ न कुछ नया हो रहा है। तो अपडेट ये है कि अब आप ट्विटर पर भी कॉल और वीडियो कॉल कर सकोगे, वो भी बिना नंबर दिखाए, सामने वाले को आपका नंबर नहीं दिखेगा। नहीं, नहीं मानता। वैसे ये ठीक है, पहले हैशटैग चलाकर और कमेंट बॉक्स में लड़ते थे, अब सीधा कॉल और वीडियो कॉल करके लड़ेंगे। खास करके विराट कोहली और शाहरुख खान के फैंस, समझ रहे हो। व्हाट्सएप का जो अपडेट है वो कुछ ऐसा है कि मान लो आप किसी को मैसेज करते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, और बाय मिस्टेक आपने उस मैसेज में कुछ गलत लिख दिया तो विद इन 15 मिनट आप उस मैसेज को एडिट कर पाओगे। अगली एक बैड न्यूज है जो कि है हमारे दिल्ली में रहने वाले लैला मजनू और टिकटॉकर्स के लिए। तो पिछले कई दिनों से आपने दिल्ली मेट्रो की चर्चा बहुत सुनी होगी। दिल्ली मेट्रो को इन लोगों ने पता नहीं क्या समझ के रखा है और पता नहीं उसमें क्या क्या कर रहे हैं। कभी हमारी आंटियां दिल्ली मेट्रो में सास बहू की तरह लड़ती है, तो कभी कोई उर्फी जावेद से इंस्पायर होकर बेढंग के कपड़े पहनकर मेट्रो में घुस जाती है, कोई खुलेआम मास्टरब्यूशन कर रहा है तो कोई सबके सामने काम सूत्रा को अंजाम दे रहा है। भाई ये दिल्ली मेट्रो है कि सस्ता पोर्न हब? यार बस एक बात मुझे बता दो कि सबके सामने ऐसा करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस ये लोग लाते कहां से हैं। लेकिन अब बस ये बहुत हुआ, मेट्रो अथॉरिटी अब दिल्ली मेट्रो में सिक्योरिटी कॉप्स को तैनात करने वाली है। तो जो लोग अब दिल्ली मेट्रो को बदनाम करने की कोशिश करेंगे उनको बैट का ग्रिप निकाल के सीधा प्लीज सब सरा कर सरा कर सरा सरा कर